हेलो, मैं डॉक्टर मस्तान वली, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। आज से मैं क्यू एंड ए किड्स केयर चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैनल में हमें आपके चिल्ड्रंस के रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ के बारे में क्यू एंड ए के जरिए डिस्कस करेंगे। आप भी इस टॉपिक के रिलेटेड आपके बेबी में कुछ भी सवालत हो, आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं, आपकी सवाल मेरी जवाब, क्यू एंड ए किड्स केयर चैनल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मेरे बेबी 8 मंथ्स के हैं और 2-3 दिन से उनको लगातार मोशन हो रहे हैं, उनके आगे के दो दांत भी आ रहे हैं। क्या इस वजह से तो नहीं कि उनको मोशंस हो रहे हैं? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स और मेरे सास ससुर उन्होंने भी बोल रहे हैं कि उस वजह से भी हो सकते हैं ऐसे। क्या ये रिलेटेड है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? थैंक यू। आपने सही सवाल किया। हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में डेली पूछे जाने वाले सवालों में से ये भी एक है। आम खास ये सुनने में आता है कि टीथ आने की वजह से बच्चों में मोशंस होते हैं। ये एक गलत इंटरप्रिटेशन है। नॉर्मली बच्चों में टीथ आते वक्त गम्स या मसोड़े घट बनते हैं, इसके वजह से बच्चों में इरिटेशन होता रहता है। वो इरिटेशन के वजह से बच्चे जो भी चीज़ मिलता है वो मुंह में रखने कोशिश करते हैं, उसके वजह से इन्फेक्शन होके मोशंस होने के चांसेस रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसको कैसे अवॉइड किया जाए? इसको अवॉइड करने के लिए फ्लूइड फिल्ड टीथर्स यूज़ करना चाहिए। याद रखिए, ये फ्लूइड फिल्ड टीथर को भी डेली बॉइल्ड वाटर में स्टेरिलाइज करना चाहिए, नहीं तो ये इन्फेक्टेड टीथर की वजह से फिर से इन्फेक्शंस होके मोशंस और फीवर आने के चांसेस रहते हैं। बेबी में नए दांत आते वक्त और क्या क्या हो सकता है? टूथ इरप्शन होते वक्त इरिटेशन के साथ साथ मसोड़े लाल होना, ड्रूलिंग ऑफ सेलाइवा और सकिंग ऑफ फिंगर्स रहते हैं, और थोड़े बच्चों में हल्का सा फीवर आने के चांसेस रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मेरी बेटी 2 साल की है और उनके पीछे दांत में कुछ काले से स्टेन्स है। दांत के दर्द के वजह से बीच रात में नींद से उठ जा रही है, इसकी वजह क्या है, क्या बता सकते हैं आप? क्या आपके बच्चों में चॉकलेट्स खाने की आदत है क्या? डॉक्टर, ये चॉकलेट और मीठा खाते हैं। बच्चे रातों में टूथएक से उठ जाना और टूथ के ऊपर ब्लैक स्टेन्स रहना मोस्टली डेंटल केरिस का प्रोबेबिलिटी रहता है। डेंटल केरिस कॉमनली ज़्यादा स्टिकी कैंडीज खाने के वजह से, और बच्चे फीडिंग बॉटल इस्तेमाल करते हुए सो जाने के वजह से डेंटल केरिस होने के चांसेस रहते हैं। इसका फिजियोलॉजी क्या है? स्टिकी कैंडीज में कॉमनली शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है। ये लॉन्ग स्टैंडिंग शुगर के वजह से ओरल बैक्टीरिया ये शुगर पे ऐड करके, यानी उसको फर्मेंट करके ऑर्गेनिक एसिड इसको रिलीज़ करता है। ये ऑर्गेनिक एसिड्स टूथ और ओरल कैविटी पे ऐड करने के वजह से डेंटल केरिस होते हैं। डेंटल केरिस को अवॉइड करने के लिए चॉकलेट का इस्तेमाल कम करना चाहिए, और फीडिंग बेबीज में रात सोते वक्त पूरा दांत अच्छे से वॉश करना चाहिए। ऐसे एज के बच्चे दांत सफाई करने में परेशान करते हैं, तो इनके दांत कैसे साफ करें? ये कॉमनली नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम है। जब टीथ इरप्ट होते हैं तब से टीथ को साफ करना चाहिए। बेबीज में टीथ को साफ करने के लिए बेबी ब्रशेस का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बेबी ब्रशेस को उंगली में पहनकर जेंटली टीथ को और ओरल कैविटी को साफ कर सकते हैं। 2 साल के बाद के बच्चों में फ्लोराइड कंटेंट टूथब्रश इस्तेमाल करके डेली ब्रश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं तस्लीम बात कर रही हूँ। मेरा एक सवाल है कि मेरा पोता 2 साल का है, उसको अभी टीथ नहीं आए हैं,
हम क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और रुकना चाहिए। आपके पोतरे का बर्थ वेट क्या है? उसका वेट 2 किलो था। क्या आपके पोतरे का बर्थ प्रीटर्म था? उसका प्री मैच्योर बर्थ हुआ था। 18 मंथ्स के बाद भी बच्चों में कुछ भी दांत नहीं आए तो उसको डिलेड एरप्शन ऑफ टीथ कहते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं, इसमें कॉमनली लो बर्थ वेट एंड प्रीटर्म बेबीज भी एक वजह हो सकती है। इसलिए आप इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन और डेंटिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर, मेरे रिश्तेदार के बेबी को पैदाइशी दांत है, उसका क्या करना चाहिए? बर्थ के साथ रहने वाले टीथ को नेटल टीथ कहते हैं। प्रीवियसली हर नेटल टीथ को रिमूव करने की स्ट्रेटजी था, अब रिसेंट स्टडीज में हर नेटल टीथ को रिमूव नहीं करना चाहिए। शिवा, नेटल टीथ की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग इंटरफियर हो रहा था और लूज्ड नेटल टीथ को रिमूव करना चाहिए। लूज नेटल टीथ की वजह से एस्पिरेशन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए लूज्ड नेटल टीथ को रिमूव करना चाहिए।